हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग और स्वागत है आपका आज की ताज़ा खबर में। आज है 10th ऑफ मई और आज संडे है, तो इस कारण से एडिटोरियल का सेक्शन तो आता नहीं है, तो इसलिए आज जो है वो सिर्फ एक ही न्यूज़ का जो वीडियो है वो रहेगा। और साथ के साथ आपको ये भी बताना चाहूँगा कि अब जैसे कि हम लोगों ने क्या किया है कि जो न्यूज़पेपर एनालिसिस है उसको हम लोगों ने दो पार्ट में बांट दिया है, एक एडिटोरियल हो गया और दूसरा न्यूज़ एनालिसिस हो गया। तो अब यहाँ पे एडिटोरियल वाले में तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आई, पर हाँ न्यूज़ एनालिसिस में काफ़ी निगेटिव कमेंट्स आए, मतलब पर्सनली कमेंट्स आए, यूट्यूब पर तो नहीं आए पर पर्सनली मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला कि जो आपने न्यूज़ एनालिसिस किया है वो काफ़ी ज़्यादा लंबा है, ठीक है, काफ़ी लेंदी है। तो पहला चीज़ तो उन्होंने यही चीज़ बताया। दूसरी चीज़ उन्होंने ये बोला कि आपने जो एनालिसिस किया है वह मतलब एट पार नहीं है, मतलब आपको ठीक से पढ़ाने नहीं आता है, वो उनका ये कहना था, क्योंकि आपने जो भी न्यूज़ का सिलेक्शन किया है ऐसा नहीं है कि वो एग्ज़ाम में आ जाएगा, ठीक है। तो मुझे नहीं पता कि उनको कैसे पता है कि वो एग्ज़ाम में आएगा या नहीं आएगा, पर ठीक है, ये भी एक उन्होंने फीडबैक दिया, ठीक है। तो ये हो गई न्यूज़ एनालिसिस की बात। इसके अलावा उन्होंने ये भी चीज़ बहुत कुछ लोगों ने बोला कि आपने जो न्यूज़ का सिलेक्शन है वो आपको करना चाहिए कि इनसाइट, या फिर आपको जीके टुडे से उठाना चाहिए, या फिर आपको राउज या ओनली आईएएस जैसा पढ़ाना चाहिए। तो मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि अब चलो ठीक है, मैं समझ रहा हूँ कि आपके जो डिमांड है और आप चाहते हो कि हम लोग और ज़्यादा इंप्रूव करें और हमारी जो क्वालिटी है और ज़्यादा अच्छी हो, पर अगर आप नोटिस करोगे तो एडिटोरियल का तो इम्पोर्टेंस मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, और न्यूज़ का मैं इम्पोर्टेंस इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि देखिए आपको अवेयरनेस भी होने की ज़रूरत है, आपको पता होना चाहिए कि आपके सराउंडिंग्स में क्या हो रहा है। अब अगर अगर मैं वो वाला स्लाइड डाल रहा हूँ कि जिसमें नंबर ऑफ केसेस कितने हैं और ये सारी चीज़ें, इवन प्लेसिड ट्रायल के बारे में जो आपने कल देखा, जो मैंने कल डिस्कस किया था, तो वो पर्टिकुलर चीज़ कहाँ से मिला है, वो उसी पर्टिकुलर न्यूज़ से ही उठाया हुआ है ना। और इवन कल जीसीसी नेशन का था एक, तो वो एक था, और सुप्रिया ने बहुत अच्छा कमेंट में एक उन्होंने क्यूबॉक्स का जो शॉर्ट फॉर्म बताया कि उस तरह से आप याद कर सकते हो। तो ये जो छोटे छोटे न्यूज़ एनालिसिस है ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो अब वही है कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं वो वाला पार्ट को कंटिन्यू करूँ या नहीं करूँ, तो इसलिए आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि वो कंटिन्यू करना ठीक रहेगा या नहीं रहेगा। ऑब्वियसली अगर नहीं कंटिन्यू करेंगे तो मेरे पास ज़्यादा टाइम रहेगा और मुझे वो कवर अप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, पर मैं खुद के लिए तो वो पढ़ने ही वाला हूँ, क्योंकि मुझे एनी हाउ मुझे आदत है न्यूज़पेपर पढ़ने की और मैं रोज़ पढ़ता ही हूँ। तो ये हो गया बेसिकली ये डिस्कशन। आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि एडिटोरियल एनालिसिस तो चलता ही रहेगा, पर न्यूज़पेपर जो न्यूज़ एनालिसिस है वो मुझे थोड़ा डाउटफुल लग रहा है क्योंकि लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर फीडबैक दें। तो चलिए अब हम लोग बेसिकली आते हैं जो हमारा कोट है, सबसे पहले कोट को डिस्कस करते हैं। तो कोट है, डोंट लुक फॉर शॉर्टकट्स टू सक्सेस, वर्क हार्ड हार्डर देन एनीवन एल्स एंड नेवर गिव अप। तो अब फिर से ये जिम कोट्स है, तो हम देख सकते हैं कि आखिर जिमिंग जो करते हैं जो लोग, तो वो एक तरह से ट्रेनिंग करते हैं, खुद को ट्रेन करते हैं, और ऐसा नहीं है कि वो रातों रात बिल्ड हो जाता है उनके मसल्स, टाइम लगता है मसल्स बनाने में और मतलब फिटनेस बनाने में भी। मसल्स तो हटा देते हैं, फिटनेस में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है। तो उसी तरह अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसमें भी कोई शॉर्टकट नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग मुझे स्टार्टिंग में बोल रहे थे, अरे 1 घंटे का जो वीडियो है 1 घंटे का बन गया, ओ शिट, मतलब करीब 40 मिनट्स का आप वीडियो बना रहे हो, मतलब इतना लंबा वीडियो आप कौन बनाता है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर मैं एफर्ट डाल रहा हूँ, मैं आपको डिटेल्स दे रहा हूँ, हर एक चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें भी बता रहा हूँ। तो इसका क्या है, यह एक आप अगर कुछ लोग अगर इस तरह से कर रहे हैं बिहेव कि 30 मिनट्स या 20 मिनट्स में ही हो जाना चाहिए, तो वो तो शॉर्टकट है। तो शॉर्टकट में आपको मैं 20 मिनट्स में कितना ही इन्फॉर्मेशन दे पाऊंगा। और यहाँ पे आप इसीलिए नोटिस कर रहे होगे जो PT365 के वीडियोज़ हैं और बाकी सारे वीडियोज़ हैं, उसमें भी क्या हो रहा है कि उसमें भी काफ़ी डिटेल में दिया जा रहा है। तो इनिशियली सब लोगों ने बोला था कि आप उसको वीडियोज़ को छोटे रखो, तो वही है कि क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ अगर करेंगे तो फिर फ़ायदा ही क्या होगा। तो यहाँ पर वही चीज़ इस कोर्ट में भी यही चीज़ बोला गया है कि शॉर्टकट्स लेना फ़ायदा नहीं है, शॉर्टकट्स का आपको बाद में नुकसान पड़ ही जाएगा। तो अगर आप सिर्फ प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से न्यूज़पेपर को पढ़ रहे हैं तो कोई बेनिफिट नहीं है न्यूज़पेपर पढ़ने का। आप पढ़ेंगे तो आप उसको ऑल ओवर देखिए कि आपको मेंस, प्रीलिम्स और इंटरव्यू, ये तीनों चीज़ों को ध्यान में रखना है, क्योंकि आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन इन सब चीज़ों से रिलेटेड। और एक और चीज़ बोलना चाहूँगा, स्टार्टिंग में स्टार्ट करेंगे हम लोग अपना आर्टिकल का डिस्कशन, पर यही है कि ये सब चीज़ें छोटी छोटी बता देता हूँ क्योंकि एंड वाली जो एंड में डिस्कस करता हूँ तो कोई सुनता नहीं है, इसलिए पहले बता देता हूँ। तो यहाँ पर एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी इस वाले वीडियो डिस्कशन में हम लोग सिक्किम का देखेंगे, सिक्किम का एक केस स्टडी दिया हुआ है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जैसे हरियाणा का जो मेरा इंटरव्यू हुआ था जो सिविल सर्विसेज का, तो उसमें उन्होंने उनको पता नहीं था कि मैं कौन से स्टेट से बिलोंग करता हूँ या फिर मैं कहाँ से आया हूँ, तो इसलिए उन्होंने रैंडमली मेरे से पूछा, जैसे उन्होंने मध्य प्रदेश के बारे में पूछा और मेरे से बिहार में भी डिटेल पूछ लिया था। तो वो उस टाइम पर मैं पढ़ के नहीं गया था, पर चूंकि मैंने न्यूज़पेपर में वो सारी चीज़ें डिटेल्स देखी थी, तो इसलिए मुझे आंसर करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ था। तो इस कारण से आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाता है न्यूज़पेपर का। और अगर आप प्रिपेयर नहीं करके भी जाते हो तो आपके पास एक बेस रहता है आंसर करने का कि आप उसको ईजिली आंसर कर लो। तो ये 4 साढ़े 4 मिनट के ज्ञान के बाद अब हम लोग अपना न्यूज़पेपर का जो डिस्कशन है उसको स्टार्ट करते हैं।
तो जो सबसे पहली न्यूज़ है वो है कि ICMR टू टेस्ट फॉर कम्युनिटी ट्रांसमिशन इन 75 डिस्ट्रिक्ट्स। तो जो 75 डिस्ट्रिक्ट जो वर्स्ट इफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वह बेसिकली बोला गया है कि उन वहाँ पर ICMR जो है वो कम्युनिटी ट्रांसमिशन का टेस्ट करेगी। तो यह एक इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। हमें पता है कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन क्या होता है, और मैंने बहुत सारे ऑडिटोरियल में ऑलरेडी डिस्कस किया था यह, पर फिर भी मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन वह केस होता है जब हमें पता नहीं होता कि इन्फेक्शन जो है इन्फेक्शन का सोर्स क्या है, मतलब किससे स्टार्ट हुआ है। अगर हम कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करते हैं तो किससे स्टार्ट हुआ यह पता नहीं चल पाता, तो इसी को कम्युनिटी ट्रांसमिशन बोलते हैं। और यह जो ये पर्टिकुलर चीज़ है, ये अभी तक बोला गया है कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन फैला नहीं है इंडिया में, पर बहुत सारे जो एक तरह से एक्सपर्ट्स हैं वो ऐसा बोल रहे हैं कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन जो है वो मिड मार्च से ही फैल चुका था ऑलरेडी। तो यहाँ पे वही है कि वो तो कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ हो गई, पर यहाँ पे अब आगे देखते हैं कि डिस्कशन क्या है यहाँ पे। तो हमें पता है कि जो केसेज नंबर ऑफ केसेज है वो 60,000 के ऊपर जा चुके हैं, और बहुत सारे जो स्टेट्स हैं जैसे तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, महाराष्ट्र तो सबसे ज़्यादा इफेक्टेड है। तो ये सारे स्टेट जो हैं एक तरह से डील कर रहे हैं इस पर्टिकुलर पैंडेमिक को हैंडल करने में। तो इसी कारण से हेल्थ मिनिस्ट्री ने बेसिकली अनाउंस किया है कि वह लोग जो वह एक तरह से डिप्लॉय करेंगे सेंट्रल टीम्स को 10 स्टेट्स में जहाँ पे हाई केसेस एक तरह से देखे गए हैं। तो वहाँ पे वो टीम्स क्या करेंगे, तो टीम्स जाएंगे और जो भी स्टेट के हेल्थ डिपार्टमेंट हैं उनके साथ मिलकर काम करेंगे, उनको सपोर्ट करेंगे जिससे वो कंटेनमेंट मेजर्स को इंप्लीमेंट कर सकें। इसके बाद जो न्यूज़ है वो है कि ICMR और भारत बायोटेक टाई अप फॉर इंडियन वैक्सीन। तो हमें पता है कि जो अगर देखा जाए तो वर्ल्ड पूरे वर्ल्ड में एक तरह से वैक्सीन बनाने की कवायद चल रही है, और इंडिया भी इसमें पीछे नहीं रहना चाहता। तो इस कारण से ICMR और भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड, जिसको शॉर्ट फॉर्म में BBIL बोलते हैं, तो ये दोनों एक तरह से कोलैबोरेट करने वाले हैं रिसर्च वर्क में, और यह काम करेंगे कि जिससे COVID-19 का जो वैक्सीन है उसको डेवलप किया जा सके। तो यह जो BBIL है यह हैदराबाद बेस्ड है, और साथ के साथ यहाँ पर यही इन्फॉर्मेशन दी गई है कि जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी जो कि पुणे में है, तो ये याद रखने की जरूरत है, और ये एक ICMR का इंस्टीट्यूट है। तो ये जो पुणे में जो NIV है, तो इन्होंने क्या किया है, वायरस स्ट्रेन को जो है वो ट्रांसफर कर दिया है, और साथ के साथ यहाँ पे यही बोला गया कि ICMR NIV जो है पूरा सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे BBIL को जिससे वो वैक्सीन डेवलपमेंट में आगे बढ़ सकें। इसके बाद जो आर्टिकल है वो है कि पुलिस गेट अ गाइड टू डिटेक्ट फेक न्यूज़। तो हमें पता है कि फेक न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा प्रेवलेंट है अभी के टाइम पे, और बहुत सारे अगर देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे वीडियोस भी आ चुके हैं जो कि हेटरेड और कम्युनल वायलेंस फैलाए हैं इस पर्टिकुलर COVID-19 पैंडेमिक के केस में। तो इस कारण से ही ब्यूरो ऑफ पुलिस एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो कि होता है BPRD, इन्होंने एक तरह से स्टेप बाय स्टेप एक गाइड पब्लिश किया है जिससे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज जो हैं वो एक जो जो भी न्यूज़ हैं उस वो आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि वो न्यूज़ हैं जो वो पर्टिकुलरली वो फेक न्यूज़ हैं या फिर मतलब करेक्ट न्यूज़ हैं। तो इसी चीज़ लिए इन्होंने एक स्टेप बाय स्टेप गाइड बेसिकली दिया है। तो अब हम जानते हैं कि अभी प्रेजेंट सिनेरियो में देखा जाए तो फेक न्यूज काफी ज्यादा फैला हुआ है। तो यहां पे इन्होंने एक बहुत अच्छा टर्म यूज किया है येलो जर्नलिज्म के बारे में। तो येलो जर्नलिज्म क्या है यह हमें पता होना चाहिए। तो येलो जर्नलिज्म देखते हैं, तो यह बेसिकली होता है कि इसको एक तरह से येलो प्रेस भी बोलते हैं अमेरिकन टर्म्स में, और यह वैसा वैसा न्यूज़ या वैसी चीज़ें होती हैं जो कि मतलब लेजिटिमेट इन्फॉर्मेशन नहीं देते या फिर लिटिल इन्फॉर्मेशन ही देते हैं, और वेल रिसर्च न्यूज़ का कोई मतलब बेसिस नहीं होता इनका, बल्कि आई कैचिंग हेडलाइंस या फिर कुछ इस तरह के ही एक्सक्लेमेशन मार्क्स वगैरह यूज़ करके वो एक तरह से अपने सेल को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो वही यहाँ पे बोला गया है कि जो भी न्यूज़ होता है वो लेजिटिमेट कोई हो ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, उसमें जो इन्फॉर्मेशन होता है या तो एकदम लेजिटिमेट नहीं होता या फिर बिल्कुल लिटिल लेजिटिमेसी होती है उसमें। पर वही है कि उस केस में वही वो लोग हेडलाइंस को एक तरह से दिखाते हैं हेडलाइंस को, जैसे फॉर एग्जाम्पल हो गया कि इज कोरोना वायरस डेड, तो एक क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लेमेशन इस तरह से दिखा देंगे। तो ये इसी चीज़ को येलो जर्नलिज्म बोला गया है। और हो सकता है कि अगर मान लेते हैं प्रीलिम्स में इस तरह से क्वेश्चन आता है कि येलो जर्नलिज्म इज रिलेटेड टू, तो फिर नीचे आ जाएगा अगर ऑप्शन में फेक न्यूज़ है तो फेक न्यूज़ आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहां देख सकते हैं कि एक छोटा सा टर्म से कैसे क्वेश्चन बन सकता है। तो यही येलो जर्नलिज्म के टाइप के जो न्यूज़ हैं इन सब चीज़ों को एक तरह से रोक मतलब आइडेंटिफाई करने के लिए जो ये BPRD है इन्होंने स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइन दिया है, और इन्होंने एक तरह से ट्रस्टेड न्यूज़ सोर्सेज के बारे में बताया है, और कुछ एक सेट मतलब लिस्ट भी दिया है इन्होंने। तो उसमें इन्होंने द हिंदू को इंक्लूड किया है, PIB को इंक्लूड किया है, रिपोर्टर्स लैब को इंक्लूड किया है। तो ये सारी चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा मतलब एक तरह से देखा जाए बहुत अच्छा मूव है कि जिससे होगा क्या कि फेक न्यूज़ को एक तरह से आइडेंटिफाई किया जा सकेगा और फैक्ट से उसको अलग किया जा सकेगा। साथ के साथ यहाँ पे एक और चीज़ बोला गया है कि जैसे हम अभी हाल फिलहाल में हुआ क्या था कि जब PM केयर्स फंड जो है वो लॉन्च हुआ था, तो बहुत सारे लोगों ने एक मिसलीडिंग URL इस्तेमाल किया था, और मतलब एक तरह से जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन इसमें गई थी तो वो डूबी गई एक तरह से देखा जाए। तो यही चीज इस तरह की चीज़ों को ही रोकने के लिए यह जो मूव है यह काफ़ी अच्छा मूव है।
इसके बाद जो न्यूज़ है वो है स्टेट ऑफ स्टेट्स फाइनेंसेस। तो ये हम एक तरह से सीरीज चल रही है, ये मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। कल हम लोगों ने तेलंगाना को डिस्कस किया था, तो आज आंध्र प्रदेश को इन्होंने डिस्कस किया है। तो यहाँ पे वही चीज़ इन्होंने बताया है कि किस तरह से एपीज डायर फाइनेंसेस ड्राइव इट टू सीक सेंट्रल हेल्प। तो सेंट्रल जो हेल्प है वो एक तरह से चाहिए आंध्र प्रदेश को। और यहाँ पर वही चीज़ बोला गया है कि जो COVID-19 जो पैंडेमिक फैला है, तो इससे हुआ क्या है कि जो भी आंध्र प्रदेश का जो फाइनेंसेज है वो एक तरह से एक ग्रेट फाइनेंशियल क्राइसिस में चला गया है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोविड ही इनके पास एक प्रॉब्लम थी, इसके साथ साथ जो इंडस्ट्री की डिस्ट्रेस है वो साथ के साथ मास माइग्रेशन ऑफ वर्कर्स ये भी एक प्रॉब्लम है इनके पास। और इसके अलावा सेंटर से लिबरल फाइनेंसिंग और साथ के साथ स्टिमुलस पैकेज नहीं मिलना ये भी एक तरह से इनके डिस्ट्रेस को ऐड किया है। तो यह तो प्रॉब्लम जो ऑलरेडी कोविड का हैंडल कर रहे थे, साथ के साथ ये सारी प्रॉब्लम्स भी यह इनको देखना पड़ा। और इसके अलावा जो इनका रेवेन्यू है वो भी एक तरह से काफ़ी ज़्यादा कम हो गया, क्योंकि इनका इनका जो रिसीट है उसमें एक तरह से मतलब स्लंप देखा गया। तो यह हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है कि किस तरह से रेवेन्यू बाकी स्टेट्स का कम हुआ है, तो उसी तरह से इनका भी स्टेट का कम ही एक तरह से माना जाए। और अगर आपको एग्जाम्पल चाहिए तो आप यहाँ पर कोट कर सकते हैं कि जैसे स्टैम्प ड्यूटी का हो गया बंद हो गया, या फिर व्हीकल रजिस्ट्रेशन, वो सारी चीज़ें कम हो गई, तो इन सब से इनका जो रिसीट है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गया। पर यहाँ पे ये सारे चैलेंजेस होने के बाद भी जो पर्टिकुलर आंध्र प्रदेश है, इस स्टेट ने काफ़ी अच्छा काफ़ी लार्ज अमाउंट खर्च किया कोविड असिस्टेंस में। और साथ के साथ मतलब देखा जाए तो वाइट रेशन कार्ड होल्डर्स हैं उनको भी बहुत अच्छा खासा सपोर्ट प्रोवाइड किया है। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतने लोग जो कोविड से रिलेटेड हैं इसी को इन्होंने एक तरह से हेल्प किया या फिर सपोर्ट किया, इंडस्ट्रियल सेक्टर को भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इंसेंटिवाइज किया है। तो देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा इनका एक तरह से वो रहा है, अप्रोच रहा है। पर इसके अलावा भी यहाँ पे इन्होंने सेंटर से बेसिकली बोला है कि ऐसा तो नहीं है कि ये सारी चीज़ें खुद से कर पाएंगे, तो इस कारण से इनको हेल्प जो है वो सेंटर से इन्होंने मांगा है कि एक तरह से इनको थोड़ा और भी कोई नए नए मेजर्स इंप्लीमेंट किया जाए जिससे जो इंडस्ट्री है उसको बूस्ट मिल पाए। और साथ के साथ ये इनका यह भी कहना है कि कुछ ऐसे नए मेजर्स लाने की ज़रूरत है, फंड्स लाने की ज़रूरत है जिससे जो MSME सेक्टर है उसको भी एक तरह से सपोर्ट किया जाए। इसके अलावा इन्होंने यह भी चीज़ बोला है कि जो थ्रेशोल्ड लिमिट है GST कंप्लायंस की उसको भी इनको एक तरह से इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है। तो ये सारे स्टेप से होगा क्या कि इनके पास जो स्टेट है इनके पास रेवेन्यू आएगा, और फिर यही रेवेन्यू को फिर इन लोग इस्तेमाल कर पाएंगे कोविड असिस्टेंस में या फिर इंडस्ट्री को बूस्ट करने के लिए। इसके बाद जो न्यूज़ है वो है कि उड़ीसा गवर्नमेंट एक्सटेंड्स वर्क शिफ्ट टू 12 आवर्स। तो ये हम लोग ऑलरेडी देख रहे हैं पिछले एक दो दिनों से कि लेबर लॉज में कुछ एक चेंजेस की बात बोली जा रही है, साथ के साथ जो भी इंप्लॉयज़ काम करने वाले हैं उनके वर्किंग आवर्स को बढ़ाने की बात कही जा रही है। तो यहाँ पे यही चीज़ बोला है। और जो नेक्स्ट पॉइंट इन्होंने बोला है कि डिसीजन टेकन कंसिडरिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़। तो इंडस्ट्रीज़ ने भी एक तरह से यह पॉइंट उठाया है कि जो वर्किंग आवर्स है उसको बढ़ाया जा सकता है। तो यह जो ट्वीक किया है इन्होंने कि जो एक तरह से 8 आवर्स का शिफ्ट होता है, तो 8 आवर्स को शिफ्ट को 4 आवर्स और बढ़ा के 12 आवर्स किया है। तो यह बेसिकली फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के अंतर्गत आता है, और इसी को ट्वीक करके इन्होंने इस पर्टिकुलर जो वर्क शिफ्ट को बढ़ाया है। अब यहाँ पे अब इस कारण से हमारे लिए फैक्ट्रीज एक्ट 1948 जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आखिर इसमें कौन सी चीज़ें जो हैं वो इंक्लूडेड हैं। तो यहाँ पे वही चीज़ बताया है कि इसमें जो जो प्रोविजन्स आते हैं वो है कि वीकली डेली आवर्स बताया गया है, साथ के साथ जो इंटरवल ऑफ रेस्ट है कोई भी एडल्ट के लिए एडल्ट वर्कर के लिए वो भी बताया गया है। तो यहाँ पे इन्होंने यही चीज़ बताया है कि कोई भी जो वर्कर होगा वो 6 घंटे तक लगातार काम कर पाएगा, उसके बाद 6 घंटे के बाद उनको हाफ एन आवर का जो है रेस्ट लेना ही पड़ेगा, फिर उसके बाद 6 घंटे वो और काम कर पाएंगे। साथ के साथ यहाँ पे बोला है कि जो टोटल स्प्रेड ओवर होगा वो 13 आवर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और एक वीक में 72 आवर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये भी चीज़ इन्होंने बताई है। और साथ के साथ ये भी बोला है इन्होंने कि जो फीमेल वर्कर्स होंगे उनको अलाउ नहीं किया जाएगा 7 PM से लेकर 6 बजे सुबह तक काम करने के लिए, अनटिल अनलेस एक तरह से स्पेसिफिकली परमिशन अगर मिलता है गवर्नमेंट से तो तभी होगा। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये ध्यान में रखने की जरूरत है। और यह जो प्रिलिम्स पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो फैक्ट्रीज एक्ट 1948 इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद जो न्यूज़ है वो है कि हेल्थ मिनिस्ट्री एजेस डिस्चार्ज गाइडलाइंस। अब बहुत लोग बोलेंगे कि यह पर्टिकुलर न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रीलिम्स में नहीं आएगा, पर फिर भी आपको जानकारी होनी चाहिए आपके सराउंडिंग्स के बारे में कि आखिर क्या चेंजेस हो रहे हैं हमारी दुनिया में, और हमारा जो कंट्री है वो कौन से चेंजेस कर रहा है। तो इस कारण से इसको इंक्लूड किया गया है। तो यहाँ पर इन्होंने यही चीज़ बोला है कि उन्हीं लोगों का अब जो मतलब हॉस्पिटल छोड़ने के पहले टेस्ट किया जाएगा जो कि सीवियर इलनेस को एक तरह से फेस कर रहे होंगे उन्हीं का होगा, और अगर कोई पर्सन जो है वो माइल्ड या मॉडरेट केस एक तरह से है तो उनका ऐसा नहीं है कंपलसरीली उनको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के पहले उनका टेस्ट जो निगेटिव है जो टेस्ट रिजल्ट है वो निगेटिव होना चाहिए। तो यही चीज़ जो चेंजेस किया है इन्होंने। पहले क्या होता था, पहले बेसिकली होता था कि कोई भी पर्सन अगर हॉस्पिटल में आता था तो डिस्चार्ज होने के 14th डे या 21st डे पर उनका निगेटिव होना काफ़ी ज़्यादा कंपलसरी था, तभी उनको डिस्चार्ज किया जाता था। पर अब जो है ये केस जो है इन्होंने चेंज कर दिया है, पर ये सिर्फ माइल्ड और मॉडरेट केसेस के लिए किया है, सीवियर इलनेस के लिए अभी नहीं किया है। सीवियर इलनेस के लिए अभी भी टेस्ट होना जरूरी है।
इसके बाद जो न्यूज़ है वो है कि रो ओवर न्यू लिंक रोड टू कैलाश मानसरोवर। तो यह बेसिकली कल एक न्यूज़ आया था, छोटा सा, बहुत ही छोटा सा न्यूज़ था। तो उसमें इन्होंने बेसिकली बताया कि कैलाश मानसरोवर जाने के लिए जो गवर्नमेंट है एक नया रास्ता बताया है। तो यह रास्ता जो है यह धरचूला इन उत्तराखंड से होके लेपुलेख तक जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे एक तरह से रोड रोड है, फिर लेपुलेख से वहाँ पर फिर वो चाइनीज़ टेरिटरी में घुस के फिर वहाँ से मानसरोवर, कैलाश मानसरोवर की यात्रा की जा सकती है। तो यही चीज़ है। तो बेसिकली यह जो इन्होंने जो रोड का इनॉग्रेशन किया है एक तरह से, तो यह जो न्यू लिंक रोड का इनॉग्रेशन, ये एक तरह से डिप्लोमेटिक ट्रबल में आ गया, क्योंकि नेपाल ने ऐसा बोला है कि यह जो है इंडिया ने एक तरह से 2014 में जो एग्रीमेंट हुआ था, जो कि पीएम मोदी और जो नेपाल के पीएम है सुशील कोइराला, उनके उनके बीच में जो हुआ था, तो यह एग्रीमेंट का ब्रीच है। और यह बेसिकली एग्रीमेंट हुआ क्या था, तो यह जो है जो भी उस टाइम पर एग्जिस्टिंग आउटस्टैंडिंग बाउंड्रीज इशूज़ हैं, जो कि जैसे हो गया काला पानी या सुस्ता, तो इन सारी चीज़ों का एक तरह से इसी के ऊपर था कि इसको एक तरह से बायलेटरली डिस्कस करके सॉल्व किया जाएगा। तो यही एग्रीमेंट का ब्रीच के बारे में बोल रहे हैं कि इंडिया ने जो जिस तरह से इन्होंने बोला है कि वो बिल्ड करेंगे रोड जो कि उनके टेरिटरी से एक तरह से नेपाल के टेरिटरी से होते हुए जाएगा, तो यही उनका है कहना है कि एक तरह से ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट है। और नेपाल का कहना है कि ये उनके टेरिटरी से होते जाएगी, पर हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि जो काला पानी का इशू था वो ऑलरेडी हो चुका है, पिछले साल में हुआ था कि इंडिया ने अपने मैप पे इसको शो कर दिया था, तो नेपाल ने काफ़ी एक तरह से रिटेलिएट किया था। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाता है कि काला पानी का जो है एक प्लेसेज इन न्यूज़ में हो सकता है कि आपसे पूछा जा सके। तो यह चीज़ हो गई। फिर अब जो हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, उन्होंने ये बोला है कि ऐसा कुछ नहीं है, यह जो डिस्प्यूट के बारे में उन्होंने बताया ये बिल्कुल एक तरह से गलत है। और जो भी जो बेसिकली जो सिटी है या डिस्ट्रिक्ट है जो पिथौरागढ़ है, वो पूरा पूरा का पूरा उत्तराखंड में आता है। तो इसलिए ये जो टेरिटरी की बात बोले जा रहा है, ये ऐसा नहीं है कि ये नेपाल की टेरिटरी है, ये इंडियन टेरिटरी में ही जो रोड है वो बनाया जा रहा है। तो इस कारण से इन्होंने ये भी एक चीज़ पॉइंट आउट किया कि जो जो भी बाउंड्री का इश्यूज़ है जो दो कंट्रीज़ के बीच में एग्जिस्ट करता है, उसको एक तरह से डिप्लोमेटिक डायलॉग के थ्रू और फ्रेंडली बायलेटरल रिलेशंस के साथ में नेपाल के साथ सॉर्ट आउट कर लिया जाएगा। तो ये एक तरह से यही है कि प्रोटेस्ट जो उठाया जा रहा है, ये अब कहा नहीं जा सकता, क्योंकि ऑब्वियसली हमारा हमारा टेरिटरी है, और अगर कोई और कंट्री उसके ऊपर क्वेश्चन उठाएगी तो ऑब्वियसली हमारे लिए तो ये एक तरह से कोई चिंतनीय बात है, कि सोचने वाली बात है। और हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर्स हैं जो, तो वो सही डिसीजन ले ही सकते हैं अपने कैपेबिलिटी के हिसाब से। इसके बाद जो न्यूज़ है वो है कि इंडिया सेट टू कवर द ग्लोब विथ एक्सपोर्ट्स ऑफ मास्क। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मास्क का एक्सपोर्ट से रिलेटेड यह एक तरह से इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो जाता है। और यहाँ पे यही बोला गया है कि एक बेसिकली बायोटेक फर्म है, और साथ के साथ एक आर्ट वैली एक ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि इंडियन और इटालियन जो भी एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके बीच में एक तरह से कोऑर्डिनेशन का काम करता है, प्रमोशन का काम करता है। तो यहाँ पे इनका ही कहना है कि आने वाले समय में जो मास्क का जो वो है यूज़ है या डिमांड है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो इस कारण से अगर जो इंडिया है, इंडिया यह जो मास्क का जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको अगर वो अच्छे से बूस्टअप कर ले, तो वो इस पर्टिकुलर डिमांड को फुलफिल कर सकता है। तो यही इनका कहना है। और यहाँ पे इन्होंने बताया कि कौन से अभी सप्लायर्स हैं, तो चाइना, थाईलैंड, वियतनाम, इंडोनेशिया, ब्राज़ील और अर्जेंटीना, ये सारे तो हैं। पर अगर देखा जाए तो यूरोपियन कंट्रीज़ एक तरह से जो मास्क का वो है मैन्युफैक्चर है, वो सेल्फ सफिशिएंट नहीं है। साथ के साथ जो चाइना से आते हैं वो भी एक तरह से उतना ज़्यादा वो उनको हेल्प नहीं कर पा रहा है। तो वो यह जो एक तरह से गैप क्रिएट हो रहा है, जो अराउंड 50% का गैप इन्होंने बताया है, तो इस गैप को फुलफिल करने का काम जो है वो इंडिया कर सकता है। और इंडिया के लिए भी एक तरह से बहुत ही ज़्यादा एक तरह से हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि अगर मास्क मैन्युफैक्चरिंग में अगर वो आगे बढ़ते हैं तो एक तरह से इकोनॉमी को भी सपोर्ट मिल जाएगी, और बहुत सारे लोगों को एक तरह से देखा जाए तो एम्प्लॉयमेंट भी मिल जाएगा। तो यही चीज़ है। और यहाँ पर इन्होंने एक और चीज़ इंपॉर्टेंट बोली है कि ये जो मास्क जो भेजने की बात है, मतलब एक्सपोर्ट करने की बात है, तो इस पर अभी अभी तो प्रेजेंटली बैन लगा हुआ है, पर अभी सेंटर जो है वो ऐसा माना जा रहा है कि इट इज़ एक्सपेक्टेड कि यह जो पर्टिकुलर बैन लगा है इसको रिवोक कर दिया जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी अगर हम लोग अपने जो भी मास्क मैन्युफैक्चर करेंगे उसको हम लोग अगर एक्सपोर्ट कर पाते हैं तो। इसके बाद जो न्यूज़ है वो है कि इनेबल लॉन्गर वर्किंग आवर्स, और यह किसने बोला है, तो CII दैट इज़ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज़ ने सेंटर को एक तरह से सलाह दी है। तो यहाँ पर इन्होंने यही बोला है कि जो भी एक तरह से डायरेक्ट वर्कर्स हैं उनको रीजॉइन करने का एक तरह से इंस्ट्रक्शन दिया जाए, पहली चीज़ यह बोली है इन्होंने। और इसके बाद इन्होंने यह बोला है कि वह लोग जो लोग एक तरह ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, तो यहाँ पे उनको वही बोला है कि उनके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है। और कौन से एक्ट के अंदर, तो एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट और साथ के साथ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंदर में लिया जा सकता है। इसके अलावा इन्होंने यह भी बोला है कि जो भी अगर मानते हैं कि कोई कुछ एक वर्कर्स हैं जो एक ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो उस केस में यहाँ पे बोला है कि जो भी माइग्रेंट वर्कर्स हैं जो शेल्टर में रह रहे होंगे उनको भी यहाँ पे एम्प्लॉय किया जा सकता है।
तो ये भी एक अच्छा खासा काफ़ी मूव है। और इसके अलावा इन्होंने ये भी बोला है कि जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है, तो इसका जो एक तरह से स्कोप अगर देखा जाए तो ये स्कोप अभी काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड है, इसको बढ़ाने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे इन्होंने आखिर जो अभी प्रेजेंट स्कोप क्या है, तो प्रेजेंट स्कोप तो हमें पता है कि जो मतलब गरीब लोग हैं वो तो हैं ही, साथ के साथ यहाँ पर उन लोगों को भी इंक्लूड किया गया है जो जो भी मतलब जो भी अर्नर या जो भी वर्कर्स हैं, जो ऐसी ऐसी मतलब एस्टैब्लिशमेंट में काम कर रहे हैं जहाँ पे 100 से कम लोग हैं, और उसके बाद 90% जो एम्प्लॉयज़ हैं वो 15,000 से कम कमाते हैं, तो उनको भी इसमें इंक्लूड किया गया है। तो इनका कहना है कि यह जो पर्टिकुलर स्कीम है इसको उस तरह के एस्टैब्लिशमेंट में भी या ऑर्गेनाइजेशन में भी इंक्लूड करना चाहिए जहाँ पे 50 से 60% जो लोग जो हैं वो 25,000 पर मंथ से कम कमाते हैं। इसके बाद जो न्यूज़ है वो है कि नाउ अ मोबाइल ऐप प्रेडिक्ट्स कोविड-19 इंसिडेंस डेज इन एडवांस। तो बेसिकली यहाँ पे यही बताया गया कि कोरोना वायरस पैंडेमिक एपिडेमोलॉजी, एक तरह से कोप जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है, इन्होंने एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है कोविड-19 सिम्टम ट्रैकर। तो इसका काम क्या होगा, तो यह बेसिकली जो भी सिम्टम्स है, यह पहली चीज़ तो लोगों से एक तरह से डाउनलोड, जैसे आरोग्य सेतु में करते हैं तो उसी तरह से डाउनलोड कराया जाएगा, और उसमें जो भी सिम्टम्स हैं उसको फीड इन किया जाएगा। इसी फीड इन जो सिम्टम्स है इसको ये लोग यह पर्टिकुलर ऐप एनालाइज करता है, और एनालाइज करने के बाद एक प्रेडिक्शन करता है कि आने वाले 2-3 दिनों में या फिर आने वाले वीक में क्या 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 स्टेटस रहने वाला है और किस तरह से जो नंबर ऑफ केसेस है वो बढ़ने वाले हैं, तो इसका बेनिफिट क्या हो सकता है हमारे लिए। तो चूंकि यह एक तरह से अगर देखा जाए तो अच्छा खासा प्रेडिक्शन अगर कर सकता है, तो इसका बेनिफिट यही होगा कि किसी पर्टिकुलर एरिया में अगर केसेस बढ़ने वाले होंगे तो वहाँ पर जो भी सरकार है वो एक तरह से क्या करेगी कि वहाँ पर मतलब एस्टैब्लिशमेंट को एक तरह से वो कर सकती है, एनहांस कर सकती है। साथ के साथ अगर कोई मतलब कंटेनमेंट एरिया में कन्वर्ट होने वाला है तो वहाँ पर फिर जो भी रिस्ट्रिक्शन लगाना होगा वो रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। तो इसका वही है कि एक बिफोर हैंड जो जो भी प्रशासन है वहाँ का या एडमिनिस्ट्रेशन है वो प्रिपेयर्ड हो जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा मूव है, बहुत ही अच्छा एक तरह से देखा जाए तो एक ऐप है, और अगर इसका इसका इंप्लीमेंटेशन का भी बोला जा रहा है कि जल्दी ये इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा, और इसका जो इंप्लीमेंटेशन है वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के फॉर्म में होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे आरोग्य सेतु के बारे में क्वेश्चन उठाया जा रहा है कि इसका जो सॉफ्टवेयर है वो ओपन सोर्स नहीं है, तो यहाँ पर वही है कि उसको एज एन ओपन सोर्स के तरह वो किया जाएगा, रिलीज किया जाएगा, जिससे अगर कोई और भी डेवलप करना चाहे इसके पर्टिकुलर बेस पर तो वो डेवलप कर सकता है। इसके बाद जो न्यूज़ है वो है कि सैल फॉरेस्ट टॉर्टोइस हैबिटेट स्ट्रेचेज ओवर अनप्रोटेक्टेड एरियाज। तो यह यहाँ पे हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट एक तरह से न्यूज़ हुआ ये हो जाता है कि सैल फॉरेस्ट टॉर्टोइस के बारे में हमें जानना होगा। तो यह जो पर्टिकुलर टॉर्टोइस है यह पाया जाता है ईस्टर्न एंड नॉर्दर्न इंडिया में, और साथ के साथ साउथ ईस्ट एशिया में भी पाया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में पाया जाता है। और साथ इसके अलावा जो एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ पे ये बताई गई है कि 23 out of 29 जो स्पीसीज़ है जो कि फ्रेश वाटर टर्टल या टॉर्टोइस के पाए जाते हैं जो इंडिया में, वह सारे थ्रेटेंड कैटेगरी में आते हैं IUCN के स्टेटस में। तो यह जो IUCN के बेस में जो आता है कि कौन से कैटेगरी में कोई भी पर्टिकुलर मैमल है या फिर एनिमल है, तो वह क्वेश्चन हमेशा से बनता आया है। और ड्यूगोंग वगैरह और इस तरह के सी हॉर्स वगैरह से रिलेटेड एक तरह से क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है UPSC में, तो यह काफ़ी फेवरेट एरिया है। तो इस कारण से हमें जो पर्टिकुलरली यह जो है सैल फॉरेस्ट टॉर्टोइस इसका जो IUCN स्टेटस है यह जाने की जरूरत है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि यह क्रिटिकली इंडेंजर्ड है क्योंकि यह जो है यह पर्टिकुलर एनिमल हैविली हंटेड किया जाता है फूड के लिए। तो यह चीज़ हो गई पहली चीज़। इसके अलावा फिर यहाँ पर एक और जो स्टेटस बताया गया है वह बताया गया है ब्रैकिश वाटर टर्टल का, जिसको बोलते हैं बाटागुर बास्का, ठीक है, और ये पाया जाता है इंडिया और बांग्लादेश में। तो यह पर्टिकुलर जो एक तरह से ब्रैकिश वाटर टर्टल है यह भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। तो यह दो इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान में रखने की जरूरत है। साथ के साथ जो यहां पे छोटा सा इंफॉर्मेशन था कि 23 out of 29 स्पीसीज के बारे में जो फ्रेश वाटर टर्टल और टर्टल्स हैं जो कि थ्रेटेंड पाए जाते हैं, तो यह नंबर ध्यान में रखने की जरूरत है कि हो सकता है कि अगर आपको गेस करने की बात आए और फ्रेश वाटर टर्टल अगर टर्टल्स वगैरह दिया हुआ है तो आप वहां पे थ्रेटेंड को एक तरह से आप उसको गेस करके आप मार्क कर सकते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि अगर अगर मैंने न्यूज़ एनालिसिस बंद कर दिया तो ये जो पर्टिकुलर इस तरह के जो न्यूज़ है ये मिस आउट हो जाएंगे, फिर आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा, फिर वो अलग से ही मेहनत है। बहुत सारे लोग नहीं भी पढ़ेंगे अगर तो उनका मिस आउट हो जाएगा, और अगर बाद में अगर आप रिवाइज़ भी नहीं कर पाते और अगर आपने ये न्यूज़ सुना हुआ है तो आपको ध्यान में यह चीज़ तो पर्टिकुलरली रहने वाला है। इसके बाद जो न्यूज़ है वो है कि यूजिंग NFHS डेटा फॉर पॉपुलेशन सर्वेलेंस फॉर कोरोना वायरस। तो यहाँ पे वही बेसिकली जो चीज़ बोली गई है कि अभी अगर देखा जाए तो इंडिया में जो भी टेस्टिंग हो रहा है वो किन की टेस्टिंग हो रही है, तो यहाँ पे वही उन्होंने बताया है कि हाई रिस्क इंडिविजुअल्स हैं उनकी टेस्टिंग हो रही है, या फिर वो लोग हो रहे हैं जिनको सिम्टम्स दिखा जा रहा है, या फिर उनके क्लोज कॉन्टैक्ट वाले लोग, या फिर हेल्थ केयर प्रोफेशनल, या फिर वैसे लोग जो कि जिनका कोई हिस्ट्री है किसी अफेक्टेड रीजन में, जैसे अगर वो चाइना गए हुए हैं तो वहाँ के लोग। तो ये जो पर्टिकुलर अगर देखा जाए तो इनकी जो टेस्टिंग है इससे एक्यूरेट नंबर पता नहीं चल पा रहा है,
और ये एक लिमिटेड टेस्टिंग है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतने लोगों में ही फैला हुआ है, और भी बहुत सारे लोग हैं जो इफेक्टेड हैं। तो यहाँ पे लैंसेट ग्लोबल हेल्थ जो है, इन्होंने एक तरह से नई चीज़ प्रपोज की है कि जो जो भी एरिया है वो पर्टिकुलर, जो भी कंट्री है एरिया है, वो डेमोग्राफिक या हेल्थ सर्वे जो होता है DHS फ्रेमवर्क, उसको इस्तेमाल करके प्रिवेलेंस ऑफ COVID-19 को एक तरह से डिटेक्ट कर सकता है। तो यहाँ पे यह जो पर्टिकुलर यहाँ पे बोला गया है डेमोग्राफिक एंड हेल्थ सर्वे के बारे में, तो यहाँ इंडिया में भी होता है, और इंडिया में जो होता है वो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे होता है, और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है UPSC में, 2018 में आया था। तो इस कारण से हम देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि किस इसकी यूटिलिटी किस तरह से होगी COVID-19 के प्रेवलेंस को डिटेक्ट करने में। तो यहाँ पर इनका यही बोलना है कि यह सेम चीज़ जो है, यह NFHS डेटा का यूज़ ये HIV सर्वेलेंस में भी इंडिया में हुआ था, और इसे काफ़ी ज़्यादा फायदा भी मिला था। तो यहाँ पर इनका एक वही चीज़ है कि अगर कोविड-19 के प्रेवलेंस को फाइंड करने में भी अगर इसका इस्तेमाल किया जाए, तो जो हमारा ऑपरेशनल कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा। और हमें पता है कि अभी वैसे भी जो भी स्टेट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा कैश स्टार्व्ड हैं, तो इस कारण से यह एक बहुत अच्छा मूव रहेगा, और ये काफ़ी अच्छा आइडिया है। और यहाँ पे इन्होंने ये भी बोला कि यह जो सैम्पलिंग अप्रोच है या इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है, स्टेट या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर करें तो काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा। इसके बाद जो आर्टिकल है वो बेसिकली एक तरह से कंपेयर किया है PM केयर्स फंड को PM नेशनल रिलीफ फंड से। तो यहाँ पे जो भी डिटेल दिया हुआ है PM केयर से, थोड़ा पता है मुझे विजिबल नहीं है, पर क्या कर सकते हैं, ये ऐसा ही इमेज इसमें आया हुआ है। तो जो भी यहाँ पे जो पर्टिकुलर डिटेल्स है जो छोटा छोटा दिखा हुआ है, आपको अगर देख नहीं रहा है तो आप टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर देख लीजिएगा, वहाँ पर ये शेयर है ऑलरेडी। तो यहाँ पे जो PM केयर्स वाला जो एरिया है, ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है हमारे जो झटपट सीरीज़ है उसमें, मैंने बहुत डिटेल में बताया हुआ है, और A to Z चीज़ें बताई हुई हैं कि कौन सी चीज़ें CSR में काउंट होती हैं, तो उसको रिपीट यहाँ पे नहीं करूँगा क्योंकि वो एक बेनिफिट नहीं है एक तरह से, और टाइम भी एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लग जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग कंपैरिजन को डायरेक्टली देखते हैं कि आखिर कंपैरिजन क्या है। तो जो PM केयर्स है जो फंड ये लॉन्च हुआ था, जो मतलब March 28 को जो हमारे PM है उसको लॉन्च किया था, तो ये जो है वो ये पर्टिकुलरली अभी के क्राइसिस को, अभी के पैंडेमिक को हैंडल करने के लिए है, ठीक है। तो इसके पहले भी हमारे पास ऐसा नहीं है कि ऐसा फंड नहीं था। तो इसके पहले जो फंड था उसका नाम था PM नेशनल रिलीफ फंड, ठीक है। इसका काम क्या था, तो इसका काम बेसिकली था कि जो भी पार्टीशन रिफ्यूजीज थे उनको सपोर्ट करने के लिए, साथ के साथ वह लोग जो कि जिनकी मौत हो जाती है नेचुरल कैलामिटीज़ के अंदर में, या फिर वह लोग जो विक्टिम हो जाते हैं कोई मेजर एक्सीडेंट में, जैसे अगर ट्रेन दुर्घटना हुई या फिर प्लेन क्रैश हुआ, इस तरह की चीज़ें, या फिर वैसे लोग को भी सपोर्ट किया जाता है मेडिकली जो लोग एसिड विक्टम्स होते हैं, एसिड अटैक विक्टम्स होते हैं, तो उन लोगों को PM नेशनल रिलीफ फंड से एक तरह से सपोर्ट मिलता था। तो यह हम देख सकते हैं कि दोनों में डिफरेंस आ गया, कि दोनों फंड का जो एलोकेशन है एक तरह से देखा जाए तो वो मतलब जो स्कोप है वो दोनों का मतलब एक कोविड रिलेटेड ही है और दूसरा वाइड कवरेज एक तरह से करता है। तो यहाँ पे वही है कि अपोजिशन ने एक तरह से क्वेश्चन मार्क उठाया था कि जो PM केयर्स है वो बनाने की जरूरत ही क्या पड़ी अगर PM नेशनल रिलीफ फंड हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे वही क्वेश्चन उठाया, और साथ के साथ ऐसा नहीं है कि यह सेंट्रल लेवल पे ये एग्जिस्ट करता है, स्टेट लेवल पे भी एग्जिस्ट करता है, तो इस कारण से एक तरह से रिपीटेटिव हो गया। साथ के साथ यह भी क्वेश्चन उठने लगा है कि हमें पता है कि जो PM केयर्स है उसमें काफी ज्यादा डोनेशन हुए हैं, बहुत सारे मूवी स्टार्स और इवन IAS एसोसिएशन वगैरह ने, इन लोगों ने काफी हेफ्टी अमाउंट वहां पे डोनेट किया है, पर जो भी जो सेंटर है वो एक तरह से उन्होंने यह नहीं बताया है, RTI वगैरह लगाने के बाद भी नहीं बताया कि कितने मनी इसके अंदर गई है, और उन्होंने बोला है कि सही समय पर एक तरह से जो भी रिस्पेक्टेबल अमाउंट है वो मनी बता दिया जाएगा। तो यह जो PM केयर्स फंड है इस तरह से एक तरह से क्वेश्चन मार्क इस पर उड़ जा रहा है कि आखिर जो अमाउंट है वो कितना है और कहां पे इंप्लीमेंट होने वाला है, तो यह क्वेश्चन मार्क है यहां पे। इसके अलावा इनके वेब पेज पे भी काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं बताया हुआ है कि जो फंडिंग पैटर्न है या जो मनी एलोकेशन है वो कितना अमाउंट है और उसका यूटिलाइजेशन कैसे हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें तो एक तरह से डाउट क्रिएट कर रही हैं। तो इस कारण से ये हम जो ये कंपैरिजन है ये हमें ध्यान में रखने की ज़रूरत है, क्योंकि यह एक मतलब सब क्वेश्चन बन सकता है किसी भी पर्टिकुलर मेंस एग्जाम का। इसके बाद जो आर्टिकल है वो FAQ सेक्शन में दिया हुआ है, और यह एक आर्टिकल जो है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, तो ये आप ज़रूर पढ़ें। तो यहाँ पे यही है कि एक जो आर्टिकल का हेडिंग है कि हाउ कैन इंटर स्टेट वर्कर्स बी प्रोटेक्टेड, और यहाँ पे आगे इन्होंने बोला है कि शुड अ 1917 लॉ ऑन माइग्रेंट वर्कर्स बी रिटेन्ड और मस्ट बी सब्स्यूम्ड अंडर अ प्रपोज लेबर कोड। तो बेसिकली हमें यह जो पर्टिकुलर आर्टिकल है माइग्रेंट वर्कर्स से रिलेटेड है, और यहाँ पे इन्होंने जो बेसिक डिस्कशन किया है वो वही है कि हमें पता है कि जो माइग्रेंट वर्कर्स है वो काफ़ी ज़्यादा एक तरह से परेशानी फेस कर रहे हैं, साथ के साथ उनका जो भी उनका एम्प्लॉयमेंट है वो एक तरह से 100% श्योर नहीं होता है, तो इस कारण से उनके लिए एक जो लॉ एग्जिस्ट करता है उसी को यहाँ पे इन्होंने डिस्कस किया है, और उस लॉ का नाम है इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमैन रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस एक्ट 1979। तो यह जो एक्ट है ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर माइग्रेंट वर्कर से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है तो उस केस में अगर आप यह पर्टिकुलर एक्ट को कोट करेंगे तो आपका जो आंसर रहेगा वो काफ़ी अच्छा रहेगा, और साथ के साथ प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन बन सकता है कि यह जो पर्टिकुलर एक तरह से एक्ट है इसमें कंडीशंस क्या क्या हैं या फिर किस चीज़ से रिलेटेड है, तो यही चीज़ है यहाँ पे। तो फिर यहाँ पे बेसिकली जो क्वेश्चन उठाया गया है कि हमें पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि बहुत सारे जो लेबर लॉज एग्जिस्ट कर रहे हैं उसको सब्स्यूम करें और उसको अराउंड फोर पीस ऑफ लेजिस्लेशन में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रही है, तो इस कारण से इन्होंने
एक बिल प्रोड्यूस किया था पार्लियामेंट में जिसका नाम था ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2019, जिसमें एक तरह से जो 13 लेबर लॉज है उसको एक सिंगल पीस ऑफ लेजिस्लेशन में उन लोग कंटेन करने वाले थे, और इसमें जो ये इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमैन है ये वाला जो एक्ट है इसको भी सब्स्यूम करने वाले थे। तो अब हम देखते हैं कि इस पर्टिकुलर एक्ट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड थी। तो इसमें जो भी एस्टैब्लिशमेंट है उसके रजिस्ट्रेशन के बारे में है, फिर जो भी कॉन्ट्रैक्टर है वो जिन लोगों को रिक्रूट कर रहा है उनके डिटेल्स के बारे में कि उनको रखने की बात आ रही है कि बहुत सारी डिटेल्स होनी चाहिए। तो इससे हो क्या रहा है कि एक तरह से अकाउंटेबिलिटी क्रिएट हो रही है, और साथ के साथ जो भी इंटरस्टेट वर्कमैन आएंगे कि कितने सारे नंबर इंक्लूड होने वाले हैं और कितने समय तक काम करेंगे, उनका जो जो भी उनका आवर्स ऑफ वर्क होगा वो भी फिक्सेशन की बात यहाँ पर बताई है गई है, रेम्यूनरेशन कितना दिया जाएगा, वेजेस की जो वेजेस फिक्सेशन है वो क्या है, साथ के साथ एसेंशियल एम्यूनिटीज़ क्या दी जाएगी, वेज रेट, हॉलीडेज, वर्क आवर्स। तो ये सारी चीज़ें जो है ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कि ये सारी चीज़ें इसमें इस पर्टिकुलर लॉ में इंक्लूडेड है। और इससे होता क्या है कि एक तरह से जो भी मतलब इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर्स होंगे तो उनको एक तरह से स्टेबिलिटी प्रोवाइड होती है कि उनके पास जो भी कंडीशन है वर्किंग का उनके पास एक डिफाइंड है और एक लीगल डॉक्यूमेंट रहेगा। तो इसमें आगे यही चीज़ बताया गया है कि यह जो पर्टिकुलर एक्ट है इस एक्ट में जो भी माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट लेबर के डेफिनेशन में डाला गया हुआ है, और जो नया कोड बना रही है सरकार, जो बिल बनाई है, तो उस कोड में यहाँ पे बेसिकली जो चैप्टर है कॉन्ट्रैक्ट लेबर का और इंटरस्टेट माइग्रेंट का, इसी में इन्होंने माइग्रेंट वर्कर्स को एक तरह से रखा हुआ है। पर ऐसा मतलब ये लोग डिमांड कर रहे हैं कि इन मतलब जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है वो ऐसा रिकमेंड कर रही है कि वो बोल रही है कि इसमें जो भी ये पर्टिकुलर माइग्रेंट वर्कर से रिलेटेड जो भी केसेस हैं इनको जो है वो एक सेपरेट चैप्टर में डाला जाए। तो इससे होगा क्या कि इनके ऊपर फोकस ज़्यादा बढ़ेगा। बाकी जो भी प्रोविजंस हैं जो 1917 एक्ट में वो सेम टू सेम कोड में भी वही चीज़ डाला गया हुआ है। तो आर्टिकल के एंड में यही चीज़ पूछा गया कि क्या जो ये जो सब्स्यूम किया जा रहा है कोर्ट के अंदर में और कोर्ट का जो आने वाला है एक तरह से फोर्स में आने वाला है, तो ये क्या बेनिफिट करेगा या फिर लॉस करेगा जो इंटरस्टेट वर्कर्स हैं उनके लिए। तो यहाँ पे उनका वही है कि ये जो पर्टिकुलर कोड है अगर वो फोर्स में आता तो ऑब्वियसली ये बेनिफिट तो करेगा ही, पर यहाँ पे जो बात बोली गई है कि जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने बोला है कि इनको एक सेपरेट चैप्टर में रखा जाए, तो यहाँ पे वही चीज़ यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि इनको अगर सेपरेट चैप्टर में रखा जाए तो ही ये बेटर रहेगा। और इसका बेनिफिट वही है कि सेपरेट चैप्टर में रहेगा तो इनके ऊपर जो फोकस है वो अलग से दिया सकेगा। और भले ही ये काफ़ी पोअरली इंप्लीमेंटेड है ये वाला एक्ट, पर जो भी लेबर यूनियन है उनका यही कहना है कि सेपरेट इनैक्टमेंट रहेगा तो जो भी एक तरह से नई नई चीज़ें इंक्लूडेड होंगी या फिर जो भी इस पर्टिकुलर एक्ट में इंक्लूडेड जो चीज़ें हैं उसका इन्फोर्समेंट जो है वो सही से हो पाएगा। इसके बाद जो आर्टिकल है वो प्लेसेस इन न्यूज़ के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे यह जो आर्टिकल है अ मार्केट एंड तमिलनाडुज बिगेस्ट क्लस्टर, तो यहाँ कोयम्बेडु के बारे में बताया गया है। कोयम्बेडु बेसिकली एक चेन्नई का पॉपुलर होलसेल मार्केट है, तो यहाँ यह किस तरह से एक एपिसेंटर बन गया, लार्जेस्ट क्लस्टर बन गया है कोरोना वायरस डिजीज़ का, तो इसके बारे में ही डिस्कस किया गया है। और यहाँ पे वही सारी फेलियर्स को डिस्कस किया गया है। तो यहाँ पे हम लोग इसको मोटा मोटे तौर से देख लेते हैं कि आखिर इसके अंदर है क्या। तो यहाँ पे वही चीज़ बताई गई है कि कैसे कोयम्बेडु जो है वो एक तरह से लार्जेस्ट क्लस्टर कैसे बना। तो बताया गया है कि जब लॉकडाउन लगने वाला था तो लॉकडाउन के पहले अगर देखा जाए तो यह पर्टिकुलर जो क्लस्टर है यहाँ पे होलसेल मार्केट काफ़ी फेमस ये है, और ये पेरिफेरी पे है चेन्नई का, क्योंकि चेन्नई जो है वो खुद से अगर देखा जाए तो वो काफ़ी ज़्यादा कंजेस्टेड है, तो उसी हिसाब से इसको पेरिफेरी पे बनाया गया। तो यहाँ पे वही चीज़ इन्होंने बोला है कि यहाँ पे हर एक चीज़ पाई जाती है और काफ़ी कंजेस्टेड है और बहुत सारे लोग स्टेट के बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट से आते रहते हैं और इवन आउट ऑफ स्टेट भी बहुत सारे लोग आते हैं। तो यहाँ पे वही चीज़ बोली गई है कि जो लॉकडाउन लगा था, लॉकडाउन लगने के पहले काफ़ी ज़्यादा भीड़ वगैरह हुए करती थी, पर जब लॉकडाउन लग गया तो उस पीरियड में भी क्या हुआ कि लोग जो भी यहाँ पे आते थे वो रिस्ट्रिक्टेड आवर्स में भी वहाँ पे एक तरह से आ जाते थे, और जो भी सेफ्टी नॉर्म्स होते थे जैसे मास्क पहनना या फिर सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स को वो लोग फॉलो नहीं करते थे। तो इस कारण से हुआ क्या कि जैसे ही वहाँ पे जो भी वेंडर्स थे उनमें एक का भी केस पाया गया तो जितने भी लोग थे वो एक तरह से हुआ क्या कि वो वहाँ से मतलब भगदड़ टाइप की ही मच गई कि वहाँ से जाने की बात आ गई। तो फिर जब कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग किया गया और चूंकि ये काफ़ी कंजेस्टेड एरिया था तो उनको फिर बहुत सारे केसेस अचानक से मिलने लगे, क्योंकि जो भी उनको रूल्स एंड रेगुलेशन जो फिजिकल डिस्टेंसिंग और वो मास्क पहनना वो वाले जो नॉर्म्स थे उसको फॉलो करना था इन्होंने फॉलो नहीं किया था। तो इस कारण से यही ये जो पर्टिकुलर केस अगर देखा जाए तो यही चीज़ यहाँ पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे एक चीज़ ये भी है कि अगर इन जनरल देखा जाए तो एक पॉजिटिव जो केस है COVID-19 का वो 20 से 30 कॉन्टैक्ट को ही इन्फेक्ट कर सकता है, पर यहाँ पे जो कोयम्बेडु का अगर क्लस्टर का केस देखा जाए तो यह एक पॉजिटिव केस जो है वो 200 to 250 कॉन्टैक्ट्स के बारे में बताया गया। तो इस कारण से यह जो क्लस्टर है यह हमारे लिए केस स्टडी के तौर पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और वही है कि अब इसको एक तरह से सस्टेन करने की जरूरत है। और अब तो ये एक तरह से बहुत ज़्यादा बंदी हो गया हुआ है, तो वही है कि अब आगे के स्टेप देखते हैं कि आगे का स्टेप क्या लेते हैं तमिलनाडु सरकार। और वे फॉरवर्ड में एक और इंपॉर्टेंट चीज़ बोली गई है कि जिस तरह के जो भी अर्बन मार्केट हैं इसके डिज़ाइन से रिलेटेड बोला गया है कि अर्बन प्लानिंग एक्सपर्ट जो हैं उनको बहुत ज़रूरी है कि इस पर्टिकुलर इस तरह के एरियाज़ को अच्छे से डिज़ाइन करें, और जो मार्केट का डिज़ाइन है वो इस हिसाब से करें कि वहाँ पे ज़्यादा एक जो वो है क्लस्टर बोले या फिर जो ज़्यादा लोग इकट्ठा हो तो उसको सही तरीके से हो और साथ के साथ सैनिटेशन भी मेनटेन किया जाए।
तो हिंदू के जो भी आर्टिकल्स थे उसको उसका डिस्कशन हम लोगों ने कर लिया। अब इंडियन एक्सप्रेस में दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो है एक तरह से दिखे हैं मुझे, ये एक ओपिनियन है और इसके बाद एक सिक्किम का केस स्टडी है। तो पहले हम लोग ओपिनियन को देखते हैं जो कि पी चिदम्बरम ने दिया है और ये हमारे प्रीवियस फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं, तो इस कारण से ये जो इन्होंने पॉइंट्स रखा है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको हम लोग एक तरह से ओपिनियन के फॉर्म में देख सकते हैं, क्योंकि यूपीएससी का अगर मेंस का क्वेश्चन दिखेगा तो वहाँ पर ओपिनियन बेस्ड भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इस कारण से देखते हैं कि यहाँ पर इन्होंने क्या यह बताया है। तो स्टार्ट इन्होंने वही किया है कि हम लोग जानते हैं कि लॉकडाउन जो है वो एक तरह से अनाउंसमेंट हो गया था 24 मार्च को, और उस वाले में हम लोगों के पास एक सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव था कि किस तरह से हम लोगों को जो भी इन्फेक्शन का चेन है उसको ब्रेक करना है और जो भी सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स है उसको एक तरह से फॉलोअप करना है। पर हुआ ये कि उस पर्टिकुलर लॉकडाउन के बाद जो है हमारे जो भी मेडिकल और हेल्थ एक्सपर्ट थे उन्होंने वापस से बोला कि जो इन्फेक्शन का चेन है वो एक तरह से ब्रेक तो हुआ नहीं 21 दिनों में, तो इस कारण से लॉकडाउन 2 आया। और लॉकडाउन 2 में यह बोला गया कि हमने जो स्टेप लिया है वो सारे स्टेप सही हैं और यह ज़रूरी भी था एक तरह से कंटेन करने के लिए, और साथ के साथ अगर हम लोग पेशेंट रहें और रूल्स को फॉलो करें तभी हम लोग कोरोना वायरस के पैंडेमिक को एक तरह से हैंडल कर पाएंगे। तो यहाँ पे यही चीज़ बोली गई लॉकडाउन 2 के जो अनाउंसमेंट था उसमें। और यहाँ पे एक और चीज़ बोली गई कि मेडिकल और हेल्थ केयर जो एक्सपर्ट्स थे उनका वो उस टाइम पर भी स्पेक्टिकल थे कि स्केप्टिकल थे कि जो कोरोना वायरस जो है ये उस टाइम वो इस तरह से कंटेन हो पाएगा सेकेंड लॉकडाउन में भी कि नहीं। तो यहाँ पे उनका वही चीज़ था कि उनका उन्होंने फिर यह चीज़ एक तरह से आया न्यूज़ में कि यह जो पर्टिकुलर हमारा रियल ऑब्जेक्टिव यही था लॉकडाउन का कि अवेयरनेस को स्प्रेड करना और साथ के साथ जो मेडिकल और हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना। तो यहाँ पे हमें सेकेंड लॉकडाउन में यह चीज़ पता चला। और तीसरे लॉकडाउन में जो का जो अनाउंसमेंट था वो तो मतलब पीएम मोदी ने अनाउंस खुद से किया नहीं, वो एक तरह से ऑर्डर के फॉर्म में ही आया। तो यही चीज़ यहाँ पे इन्होंने बताई है, जिसका वह जो नोटिफिकेशन था वो साइन था होम सेक्रेटरी द्वारा। तो यहाँ पे इन्होंने नंबर्स भी बताया है कि कैसे कैसे नंबर वेरी कर रहा था और वेरी किया है अभी तक, और अभी बोला जा रहा है हम लोग जानते हैं ऑलरेडी कि और भी ज़्यादा बढ़ने वाला है केसेस अभी मतलब आने वाले समय में। तो यहाँ पे वही इन्होंने क्वेश्चन उठाया है कि अब आगे हम लोगों का क्या होने वाला है कि आफ्टर लॉकडाउन 3.0 आगे क्या होने वाला है कि एक और लॉकडाउन लगेगा या फिर इसको एंड कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे इन्होंने यही बताया कि पीएम मोदी के पास सिर्फ दो ही ऑप्शन बचे हुए हैं, या तो वो लॉकडाउन को आगे बढ़ा सकते हैं या फिर जो भी रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं लॉकडाउन में उसको वो उठा सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने दोनों केसेस को डिस्कस किया है कि अगर लॉकडाउन को बढ़ाया जाता है तो ये उसी केस में लॉजिकल होगा अगर जो भी हमारा 17th ऑफ मई तक जो हमारे केसेस हैं वो थोड़ा डिक्लाइन करने लगे और जो हम लोग अगर अब जो भी कर्व है उसको फ्लैटन कर ले तभी ये जो पहला ऑप्शन है वो कारगर साबित होगा। पर अगर मान लेते हैं इस केस में अगर नहीं होता है ये सारी चीज़ें तो उस केस में अगर हम वापस से लॉकडाउन लगाते हैं तो हमारा जो इकोनॉमी है वो 100% कोलैप्स कर जाएगा। तो यहाँ पे इनका ये कहना है कि फर्स्ट ऑप्शन कब एक तरह से लॉजिकल होगा और उसका अगर मतलब लॉजिकली नहीं लगाया जाता तो उसका नुकसान क्या होगा। इसके बाद दूसरा पॉइंट यहाँ इन्होंने जो बोला कि लॉकडाउन को हटा देना और सारी इकोनॉमिक और कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ को चला देना जिसमें होगा क्या कि जो इन्फेक्टेड पर्सन या जो भी होंगे उनको एक तरह से अलग कर किया जा सकता है, कंटेनमेंट जोन्स पे थोड़ा रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है, यहाँ पे धारावी का एग्जांपल दिया। और साथ के साथ इनका यह भी कहना है कि यह जो लिफ्ट हटाया जाएगा इसमें सारा ओनस जो है वो इंडिविजुअल के ऊपर आएगा, क्योंकि इंडिविजुअल का ही काम होगा कि वो खुद को प्रोटेक्ट कर सके करें मतलब इस पर्टिकुलर वायरस से। तो अगर कोई इंडिविजुअल अगर सारे जो भी नॉर्म्स बताए जा रहे हैं और जो भी हाइजीन के नॉर्म्स है उसको फॉलो करेगा तो ऑब्वियसली उसको कोविड नहीं होगा। तो यहाँ पे इनका यही है कि सेकेंड ऑप्शन का बेनिफिट बहुत ज़्यादा होगा क्योंकि हमारे इकोनॉमी को एक तरह से वो बेनिफिट करेगा और आगे बढ़ने में हेल्प करेगा। साथ के साथ जितने भी लोग एक तरह से अपने घर में कन्फाइंड हैं तो उनको भी बाहर निकलने का मौका मिलेगा, क्योंकि हमें पता है कि बहुत सारे लोग अभी ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड हो चुके होंगे घर में रहते रहते। तो यहाँ पे इनका वही कि सेकेंड ऑप्शन कब लॉजिकल होगा। तो इस कारण से मुझे ये जो पर्टिकुलर ओपिनियन था ये काफी अच्छा लगा और यहां पे इन्होंने सोचने पे मजबूर किया है कि क्या ऑप्शंस हमारे लिए आगे हैं। इसके बाद इसी न्यूज़पेपर इंडियन एक्सप्रेस में एक केस स्टडी दिया हुआ है सिक्किम का कि सिक्किम किस तरह से कोविड 19 हीरो साबित हुआ है, और अगर देखा जाए तो वहाँ पे जीरो पॉजिटिव केसेस रिपोर्ट हुए हैं। और तो ये कौन है, तो ये है प्रेम सिंह तमान, और इन्होंने एक तरह से इन्फॉर्मेशन ये बताया है। तो इन्होंने ये बताया है कि किस तरह से सिक्किम ने हैंडल किया है पूरी चीज़ों को। तो यहाँ पे बताया है कि जब केसेस स्टार्ट हुए थे आना, तो उसके केसेस स्टार्ट होने के जब गवर्नमेंट का एक तरह से जो इशू किया था डायरेक्टिव उसके पहले ही सिक्किम ने बहुत सारी चीज़ें इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया था। उन्होंने जो भी बॉर्डर्स थे उसको सील कर दिया था, सिर्फ 2-3 चेक पॉइंट्स ही उन्होंने एक तरह से छोड़ा हुआ था, और साथ के साथ वो चेक पॉइंट्स पे एक तरह से कंपलसरीली थर्मल स्क्रीनिंग भी ये सारी चीज़ें भी करते थे। टास्क फोर्स भी उन्होंने बना दिया है, स्टेट लेवल टास्क फोर्स। उसके अलावा जो भी लोग अंदर अंदर फंस गए थे तो उनके लिए भी इन्होंने स्टेप्स लेना स्टार्ट कर दिया था। जो स्कूल कॉलेजेस और पब्लिक प्लेसेस थे उसको इन्होंने बंद करवा दिया तुरंत से। फिर इमीडिएट रिलीफ पैकेज भी इशू कर दिया ताकि एसेंशियल कमोडिटीज जो हैं वो वीकर सेक्शंस को मिल पाएँ। इसके अलावा
हेल्थ केयर इनिशिएटिव्स जैसे मेडिकल इक्विपमेंट, टेस्टिंग किट्स और ये सारी चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें भी गवर्नमेंट ने प्रोक्योर कर ली थी। और इसके बाद इन्होंने जो भी स्टैंडर्ड सिक्किमीज थे तो इनको भी हेल्प करने के लिए यह पर्टिकुलर सरकार ने बहुत सारे स्टेप्स लिए। जैसे अगर स्टूडेंट थे तो उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया गया 5,000 का, और जो लोग भी बीमार थे जो सिक्किम के स्टेट के थे तो उनको 30,000 के आसपास ईच पैसा दिया गया। साथ के साथ जो भी फ्रंटलाइन वर्कर्स थे जैसे आशा वर्कर और सफाई कर्मचारी, इनको भी इंसेंटिवाइज किया गया। तो हम देख सकते हैं कि कितने अच्छे अच्छे स्टेप्स लिए हैं सिक्किम ने, और इसी कारण से ये इनको हीरो बोला गया है, कि हीरो विथ जीरो पॉजिटिव केसेस। और इसके अलावा जो छोटी छोटी और भी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं कि इन्होंने एसेंशियल फैसिलिटीज सारी चीज़ें प्रोवाइड की, जिसको मेडिसिन चाहिए था वो सारी चीज़ें प्रोवाइड की, साथ के साथ फ्रेश लोकल वेजिटेबल्स भी डोर टू डोर, मतलब डोर टू डोर पर पहुँचाया जाता था। तो यहाँ देख सकते हैं कि कितना अच्छा एक तरह से इनका मूव रहा है हमेशा, मतलब इस पर्टिकुलर सिनेरियो में। इसके अलावा यहाँ पे ये भी बोला गया कि जो लोग अब बेसिकली क्या स्टेप लेने वाले हैं, तो अब स्टेप यही लेने वाले हैं कि जो भी सिक्किमीज बाहर फंसे हैं उनको वापस लाया जाएगा और उनको प्रॉपरली क्वारंटाइन वगैरह करके वापस से जो मतलब जहाँ पे वो लोग रह रहे हैं वहाँ पे उनको अलाउ कर दिया जाएगा निकलने के लिए। और फिर यहाँ पे वही चीज़ बोला गया कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी इंस्ट्रक्शन दे रही है उसको भी तो ये लोग डे वन से फॉलो करते आ रहे हैं। और साथ के साथ इन्होंने एक फीडबैक पोर्टल भी बनाया रखा है जहाँ पे वो फीडबैक और सजेशंस लेते हैं लोगों से। तो देख सकते हैं कि कितना अच्छा केस स्टडी हो सकता है हमारे लिए। और अगर रादर देन केरला मॉडल को फॉलो करने की जगह पे अगर ये पर्टिकुलर मॉडल फॉलो हुआ होता तो हो सकता था कि बहुत सारे स्टेट में जो केसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड होते हैं। तो यही है कि ये एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल था और मेरे ख्याल से मुझे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा, और जिन जो लोग अगर एंड तक देखेंगे तो उनको पता चलेगा कि कितना इंपॉर्टेंट है अगर केस स्टडी इस तरह का आ जाता है सिक्किम से रिलेटेड। और अगर अगर आपको मेंस में लिखने के लिए आता है तो उस केस में आपको अगर आप ये सारी चीज़ें कोट करेंगे और अगर आपने ये पढ़ा होगा तभी आप ये सारी चीज़ें कोट कर पाएंगे, तो मार्क्स काफ़ी अच्छे मिलेंगे। तो हमने हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के जो आर्टिकल्स हैं उसको इन डिटेल डिस्कस कर लिया है, और मैंने ऑलरेडी ज्ञान तो बांट ही दिया था स्टार्टिंग में, तो मुझे और कुछ ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे और फीडबैक तो देते रहें, ऑब्वियसली जो हमारे सामर्थ्य में होगा वो सारी चीज़ें तो हम लोग करेंगे ही, इंप्रूवमेंट भी करेंगे। और प्लीज़ कंप्लेन मत करिएगा 40 मिनट्स का वीडियो हो गया है, मैंने इन डिटेल बताने की कोशिश की है, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स भी थे तो इस कारण से मैंने बताने की कोशिश की है इन डिटेल। और भाई मेरा मोटिव यही होता है कि मैं आपको इतने डिटेल में बता दूँ कि अगर आप वापस से उस पर्टिकुलर आर्टिकल को पढ़ते भी हो तो आपको ज़्यादा समय ना लगे समझने में और ज्यादा आपके पॉइंट्स जो है वो सारी चीजें क्लियर हो जाएं। तो आई होप आपको फायदा तो जरूर हो ही रहा होगा इस पर्टिकुलर सीरीज से, और अगर नहीं हो रहा तो प्लीज जरूर बताइएगा, मैं डिसकंटिन्यू कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, फिर मैं दूसरी चीजें हैं उस पर फोकस पूरा कर दूंगा फिर। तो आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, और आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं, लाइक और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और साथ के साथ बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें। तो थैंक यू सो मच एंड स्टे सेफ एंड स्टडी हार्ड।